गांव के ही बीजेपी नेता दुष्यंत तोमर ने ताराचंद को पंचायत चुनाव में मोहरा बनाया और उसकी दाढ़ी काटने और आस्था से अलग होने का दबाव बनाया। इसके लिए इलाके के लोगों का सहारा लिया गया, पुलिस ने भी दबाव बनाया और आखिरकार ताराचंद ने अपनी दाढ़ी कटवा दी। लेकिन सवाल यह है कि जहां पर संवैधानिक अधिकार है किसी को भी अलग अलग धर्म से जुड़ने का, अपनी आस्था कहीं भी रखने का, वहां ताराचंद के साथ अन्याय किया जा रहा है, वो भी खुलेआम। नहीं नहीं, हमारा किसी ने विरोध नहीं करा, हमारे रिश्तेदार ने किसी ने विरोध नहीं करा, हमारे भाई बंधु ने किसी ने विरोध नहीं करा, मगर इन्हें तकलीफ हुई थी। कौन है ये? ये दुष्यंत है। दुष्यंत आदमियों को लेकर आया था, सारों को ठाकुर हैं, तीन चार गांव के आदमी थे। इसके बावजूद इन्होंने हमें परेशान करा और यहाँ तक हमें मारने की धमकी भी आ रही है। धमकी दोबारा है। ये क्या कहते हैं कि अगर तो नमाज पढ़ने गए हम तो मार देंगे, या फिर दोबारा दाढ़ी रखी तो फिर हम तेरी गर्दन उतार देंगे। दाढ़ी किन परिस्थितियों में आपने कटवाई? क्या हालात थे? हालात ये थे कि हमारे घर पे, हमारे परिवार पे हमला करने वाले थे ये, इसलिए हमने कटवानी पड़ी। अब प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने कटवाई दी हमारी दाढ़ी। कैसे? कि एक काम करो, हिस्सा हल्की कर लो। आप कहाँ थाने भी गए थे? नहीं, मैं चौकी गया था। किसने बुलाया था आपको? हाँ, दरोगा था, दरोगा आया था, दो सिपाही थे, एक दरोगा था, वो लेके गए थे हमें। क्या बात हुई वहाँ? वहाँ बात ये हुई कि हाँ, तुमने भाई किसे 2 लाख रुपए लिए हैं, किसे नू करा है। हमारा कोई ऐसा कुछ ही वो नहीं है, हमने अपनी बीबी के बॉयफ्रेंड को मारा है, उसके बाद में उसका हम जेल चले गए। जेल जाने बाद हमारे ना हमारी कोई पैरोगारी नहीं, कोई हमारी मुलाकात नहीं, कोई हमारा घर का कोई आदमी नहीं गया। हमने इसलिए अपने मुसलमान भाइयों का साथ लिया। साथ लेने बाद उन्होंने हमारी बेल करवाई, हमें बाहर निकलवाया। अब हम आपके सामने बैठे। मगर ये कल तक, ये 2 दिन पहले जब पंचायत लेकर आए थे, 42 महीने पहले कहाँ थे ये? जब भी तो पंचायत लेकर बात कर सकते थे कि हाँ तू अंदर है भाई, हम पंचायत का तुम्हें निकालने वाले हैं। जब कहाँ थे? जब कोई नहीं था। हमारी दाढ़ी रखने से या हमारे नमाज पढ़ने से इन्हें दिक्कत आ रही थी। जेल के अंदर नाई की दुकान है, नाई की दुकान होने के कारण 30 रुपये सेविंग लगते हैं। जब हमारी कोई पैरोकारी नहीं तो हम जो हर 8 दिन दाढ़ी बनवाएंगे तो 30 रुपये जाएंगे। हमने कही ये दाढ़ी रखने डालने कितना फ़ायदा? एक तो हमारे 30 रुपये बच रहे हैं, एक दूसरा आदमी कोई भी आदमी किसी के दौर जाएंगे, वो बड़े मियाँ या भगत जी क्या हमें बोल लेगा। तो बताइए, इससे ना ऐसे फायदे है नहीं है। आपका कोई धर्मांतरण हुआ है क्या? नहीं, कोई नहीं, हमारा धर्मांतरण कोई नहीं, केवल नमाज पढ़ते हैं। हाँ, नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, हम 10 गो, हमारे देवी देवता 36 करोड़ हैं। अगर हम 1-1 रुपये में चढ़ाएंगे तो 36 करोड़ तो वैसे चले जाएंगे। एक हम एक को मानने वाले हैं, एक है जी, ईश्वर हो या अल्लाह। हाँ, एक है जी, वो एक है। ना तो कुछ की औलाद है, ना उसका भाई है, ना उसका कोई नहीं है। वो अल्लाह एक है, ऊपर वाला ऊपर भगवान एक है। इसलिए हम कहते हैं कि ऊपर वाला एक है, कोई जगह जगह नहीं है। देखिए, 2 बातें। नंबर 1 तो ये कि जेल के अंदर धर्मांतरण जैसी इतनी बड़ी घटना कैसे होगी, इसमें शासन प्रशासन को थोड़ा ध्यान में आना चाहिए। और मेरा जेल के अधिकारियों से भी और शासन प्रशासन के लोगों से भी ये निवेदन भी है, और उनसे कहना भी चाहता हूँ कि इस पर एक बार गहराई से संज्ञानता लेकर के उसे देखें कि ऐसा कैसा हो रहा है कि जेल के अंदर भी धर्म परिवर्तन हो रहा है। दूसरी शिकायत जो हमने की है, उसने गांव के अंदर भी 2-3 लोगों से इस प्रकार का संपर्क किया, यानी कि ये एक पूरा गिरोह है, और गिरोह का मुखिया वो उस्मान जो अंदर जेल के अंदर 302 का मुलजिम है, वो बंद है। इसके साथ साथ उस्मान के बाद उसने हमें किसी वकील का नाम भी बताया, मुझे वकील का पूरा नाम ध्यान में नहीं है, और बाहर के 3-4 लोग भी इसमें मदद कर रहे हैं। तो मेरा कहना प्रशासन से ये है कि इसका जल्दी जल्दी खुलासा होना चाहिए और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मऊ खास गाँव, मेरठ।